हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों यहाँ पर अभिषेक कुमार की फिर से बिग बॉस के अंदर री एंट्री होने वाली है, और जैसे कि बिग बॉस वाले ने अभिषेक को समर्थ को थप्पड़ मारने के चक्कर में इविक्टेड कर दिया था, तो अभी यहाँ पर ये न्यूज निकल कर आ रही है कि अभिषेक की फाइनली बिग बॉस के अंदर री एंट्री होने वाली है, और ये अभिषेक फैंस के लिए काफी ज्यादा बड़ी न्यूज भी है। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर अभिषेक के फ्रेंड माधव ने भी रिप्लाई किया बिग बॉस के ऊपर। कल आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो मैंने फोन वाला टास्क था समर्थ को जितवाया था, ठीक है, वहां पे भी अभिषेक का स्टैंड सही हो गया। फिर उसके बाद कल ईशा ने बोला कि तू पोकिंग का किंग है एंड तू सबसे ज्यादा पोकिंग करता है, उसकी हालत देख क्या करती है। फिर समर्थ ऐसे रोया जैसे अभिषेक रो रहा था, आप समझ रहे हो ना, कर्मा सारा कुछ घूम के आना है वापस। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं, सीजन 16 में जब अर्चना ने भी हाथ उठा दिया था तब उसको भी बहुत उसके बाद रियलाइजेशन के बाद शो में लाया गया था। फिर सीजन 15 में करण कुंद्रा से रिफ्लेक्स हो गया था, जैसे जब उसने उठा के प्रतीक को नीचे पटक दिया था वो रिफ्लेक्स हो गया था अपने एमएमए स्टाइल में, तो उसको भी वापस लाया गया था। लेकिन जो आज का मुद्दा है, जो मेन हॉट टॉपिक बना हुआ है आज का, अभिषेक वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो भाई पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो वापस 100% आएगा। क्यों? क्योंकि भाई उस बंदे में बहुत काबिलियत है, बहुत उसका सिस्टम सही है, सही सही बातों पे मुद्दा उठाता है। एंड ऑल्सो गाइस, यहाँ पर अभिषेक को पुनी सुपरस्टार के भी तरफ से सपोर्ट मिल रही है, और जैसे कि पुनी सुपरस्टार ने अभिषेक कुमार के ऊपर ये वाली रील अपलोड की थी। अभिषेक भाई तू जमकर खेल, पुनी सुपरस्टार तेरे साथ है। बाकी गाइस, बिग बॉस के अंदर आप लोग अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हो या फिर नहीं, अपने पे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड ऑल्सो गाइस, यहाँ पर UK07 राइडर की भी बिग बॉस 17 के अंदर फिर से री एंट्री हो सकती है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो, बिग बॉस की तरफ से काफी सारे ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि UK07 राइडर को एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री या फिर एज अ गेस्ट बुलाया जा सकता है। बट गाइस, इस वाली न्यूज के ऊपर अभी तक अनुराग डोपाल का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो गाइस, आप में से किन किन लोगों को लगता है कि UK07 राइडर को री एंट्री लेनी चाहिए बिग बॉस के अंदर, अपने पे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड गाइस, आज के लिए बस इतने अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट था, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।